नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट 9 वीडियो में। तो मैं आज आप लोग के लेके आया हूं ट्रिपल टॉप पैटर्न। तो जो ट्रिपल टॉप पैटर्न है, इसको टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में जो है थ्री माउंटेन पैटर्न भी बोला जाता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की वैसे लैंग्वेज में बोला जाता है, ज्यादातर हम इसको जो है ट्रिपल टॉप ही बोलते हैं। तो देखिए, ट्रिपल टॉप जो है, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए पिछले वीडियो में जो लेके आया था वो ट्रिपल बॉटम पैटर्न था। तो ट्रिपल बॉटम में क्या था, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जो है, ये तीन बॉटम बनते हैं, ठीक है। तो टॉप वन, टॉप टू, टॉप वन, टॉप थ्री। तो ये टॉप जो है ट्रिपल टॉप पैटर्न हो गया। जैसे उसमें अपने को क्या चाहिए होता है, यहां पर एक अपने को अप ट्रेंड चाहिए होता है। उसमें क्या था, उसमें अपने को एक डाउन ट्रेंड चाहिए था। डाउन ट्रेंड के बाद वहां पर जो है फर्स्ट बॉटम बनता था, सेकंड बॉटम बनता था और थर्ड बॉटम बनता था। तो जो ये वीडियो है, ये इसकी सेम बिल्कुल ऑपोजिट है, जैसा हमने ट्रिपल बॉटम पैटर्न में देखा था उसमें हम बिल्कुल सेम ऑपोजिट जो है ट्रिपल टॉप पैटर्न में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ट्रिपल टॉप पैटर्न मार्केट में कब बनता है, कैसे हमको इसको ट्रेड करना चाहिए, कहां पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, कहां स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूं, मैं आप लोग के सिंपल से एक एनालिसिस करके पहले बताता हूं कि ये किस तरह से जो है पैटर्न ये बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको सबसे पहले एक बात यहां पर बता देना चाहता हूं कि जो ट्रिपल टॉप पैटर्न बनते हैं वो एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। मीन्स जैसे आप मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड है, यहां पर एक अप ट्रेंड था एक, ठीक है ना। अप ट्रेंड बनने के बाद यहां पर एक फर्स्ट जो है टॉप बन गया। फर्स्ट टॉप बनने के बाद जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ, प्लीज जो है मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में जो है काफी काम आने वाली है। तो अब यहां पर उसके बाद क्या होता है, ये देखिए, अब उसके बाद यहां पर जो है यहां से करेक्शन होती है। वो करेक्शन 10 से 20% मीन्स वो जो करेक्शन है वो 10 to 20%, नॉट मोर देन। वो करेक्शन जो है वो नॉट मोर देन 10 to 20%, 10 और 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर मान लीजिए मार्केट का प्राइस 100 रुपीज है और प्राइस ने जो है करेक्शन दिया यहां पर 90 रुपीज का, ठीक है। जो उसके बाद यहां से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर ये ऊपर की तरफ गया। लास्ट जो हाई लगाया था वो 100 रुपए का लगाया था, इस बार को जो हाई लगा वो 101 रुपए का लगा, ठीक है ना। मीन्स वहां से 1% ऊपर। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो हाई है, जो फर्स्ट हाई है और ये जो सेकंड हाई है, इन हाई का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस हाई शुड नॉट बी मोर देन 3%। ये 3% से ज्यादा अगर हाई होगा तो हम इसको जो है ट्रिपल टॉप कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, यहां पर सपोर्ट पर जाने के बाद मीन्स यहां पर प्राइस ने फर्स्ट जो हाई बनाया वो 100 रुपए का बनाया, सेकंड हाई 101 रुपए का बनाया। अब यहां पर जो है लास्ट टाइम जो है 90 रुपीज आया था और इस बार जो है ये 88 रुपीज आ गया, ठीक है। तो देखिए, ये लेवल सेम भी हो सकते हैं, ये लेवल कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो ये लेवल जो है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉप जो बन रहे हैं, टॉप में हमने देखना है कि जो फर्स्ट टॉप, जो सेकंड टॉप है वो फर्स्ट टॉप से 3% ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। उससे अगर ज्यादा होता है तो आपने जो है इसको ट्रिपल टॉप कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद प्राइस देखिए यहां पर 90 और 88 के बिटवीन यहां पर आया, ठीक है। यहां से फिर इसने सपोर्ट लिया, जहां से लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, यहां सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने फिर जो है एक अप मूव दिखाया। और अप मूव दिखाने के बाद प्राइस, यहां देखिए, यहां प्राइस ने अप मूव दिखा दिया है। अभी हमको देखिए क्या मिल चुका है, अभी हमको यहां पर ये एक इस तरह से हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखिए, दिस वाज आवर फर्स्ट टॉप, दिस वाज आवर सेकंड टॉप एंड दिस वाज आवर थर्ड टॉप। अब ये हमको यहां पर तीन टॉप मिल चुके हैं। सेम इसी तरह हमको यहां पर एक बॉटम मिल चुका है, ठीक है ना, जहां से मार्केट ने करेक्शन करने के बाद सपोर्ट लिया था। मीन्स मान लीजिए, आप सपोज कर लीजिए ये 90 रुपीज का प्राइस था। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको दोबारा से एक बार फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मार्केट जो है एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में होनी चाहिए। मार्केट में अप ट्रेंड होने के बाद यहां पर एक फर्स्ट टॉप बनता है। फर्स्ट टॉप के बाद जो ये करेक्शन होनी चाहिए, ये करेक्शन 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां से मार्केट एक बाउंस बैक करके फिर जो है सेम लेवल पर, सेम लेवल या फिर 3% ऊपर या नीचे, जो उसका अगला टॉप होना चाहिए वो 3% ऊपर या नीचे चल सकता है। बट अगर इससे ज्यादा है या कम है तो नहीं चलेगा। और उसके बाद मार्केट को फिर वहां से रिवर्स करके लास्ट वाले लेवल पर फिर आना है, इस सपोर्ट पर, यहां पर सपोर्ट लेके फिर ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको जो है हम एक ट्रिपल टॉप पैटर्न कंसीडर करेंगे। देखिए, यहां पर दो रूल फॉलो करने वाले हैं। दो रूल जो मैंने अब बताया आपको कि ये जो हाई है, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई या थर्ड हाई, इसमें से कोई भी हाई आपका जो है 3% से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर ये 103 रुपए है तो ये 100 रुपए होना चाहिए, ठीक
ठीक है ना। और मान लीजिए ये 97 रुपीज है तो ये 100 रुपीज होना चाहिए, तो मतलब 3% से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए तो ये चलेगा। और ये जो करेक्शन होनी चाहिए ये नॉट मोर देन 20%, ये जो है 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए अभी यहां पर क्या हमने करना है, यहां पर इस तरह से अभी हमने यहां पर एक कैंडल ब्रेकआउट होगी, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक कैंडल ने यहां पर ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने, मैं आपको बताता हूं, यहां पर इस कैंडल ने मान लीजिए ब्रेकआउट दिया। अभी हमको यहां पर किस तरह से ट्रेड करना है हम वो भी देखेंगे। सॉरी, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और मैं इसको भी यहां पर डिलीट कर देता हूं। तो यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए एक यहां पर कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अभी यहां पर देखिए हमारा एंट्री कहां होना चाहिए, हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको अभी चार्ट में चलकर भी बताने वाला हूं। तो यहां पर मैं आपको एक प्रैक्टिकली वैसे करके बता रहा हूं। यहां पर इस मान लीजिए कैंडल ने जो है ब्रेकआउट दिया, अब इस हमारा जो है स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इसके नीचे, देखिए स्टॉप लॉस के यहां पर 3 क्राइटेरिया है, वो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो स्टॉप लॉस के क्राइटेरिया देखने हैं तो आप लास्ट की वीडियो जाके देख सकते हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो आप लोग को स्टॉप लॉस को लगाना जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट जो है मैं स्टॉप लॉस के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूं, वो नेक्स्ट सेशन में मैं जो बना के दूंगा आप लोगों को। और यहां पर मान लीजिए इसका ब्रेकआउट हो गया, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, सबसे पहले तो देखिए वी हैव टू वेट टू क्लोज कैंडल अबव दिस रेजिस्टेंस। हमको जो कैंडल का जो है ना वेट करना है क्लोज होने का। ऐसा नहीं कि हमने यहां पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, यहां से मार्केट ऊपर के गया फिर नीचे की तरफ आ गया, तो ऐसा नहीं करना है। कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। इस कैंडल का हाई मान लीजिए आपका लगता है 102 रुपए, 102 रुपीज, ठीक है। तो हमको यहां पर 102.5 पैसा पर हमने जो है यहां पर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, ये जो नीचे की तरफ हमारा स्टॉप लॉस, ये जो जहां से कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और यहां पर जो टारगेट जो रहने वाला है, टारगेट मैं आपको बता देता हूं। देखिए टारगेट इसको हम जहां से ये सपोर्ट, जिसको हम सपोर्ट यहां पर अभी कह रहे हैं, आप इसको ए पॉइंट मान लीजिए और इसको यहां पर आप बी पॉइंट मान लीजिए। तो मतलब ए और बी का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जो भी ये डिफरेंस है, मान लीजिए ये है 90 रुपीज और ये है 100 रुपीज, तो ये 10 रुपए, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 10 रुपए का होगा। मींस देखिए सीधा सीधा और सिंपल सी लैंग्वेज जो हम कह सकते हैं कि जितने की रेंज है, ये रेंज मान लीजिए नीचे की जो रेंज है 90 रुपए है और ऊपर की रेंज जो है 100 रुपीज है, तो ये 10 रुपीज का गैप है, तो हमारा 10 रुपीज का है जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आई होप दैट आपको ये जो चीजें मैंने बताई हैं आपको जो चीज समझ में आई होंगी। और अभी मैं आप लोगों को चार्ट में लेकर चलता हूं और आपको बताऊंगा कि ट्रिपल जो टॉप पैटर्न है वो मार्केट में कब कब फॉर्म हुए थे, कहाँ कहाँ पर हमको एंट्री मिल सकती थी, कैसे हमारे टारगेट होते, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर ट्रिपल टॉप के 2 मायने यहां पर हो सकते हैं, 2 तरह से ट्रिपल टॉप यहां पर बन सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा मैं अभी मैं आपको एक चीज और यहां पर करके बताने वाला हूं। तो मैं आपको, चलिए एक फिगर मैं अभी आपको और बना के देता हूं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी यहां पर अभी आप देखिए यहां पर एक अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है, ठीक है। इस तरह से मार्केट तरफ नीचे की तरफ मूव किया मार्केट ने, उसके बाद फिर मार्केट ने यहां सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर सेकंड टॉप बनाया स्टॉक ने, उसके बाद फिर मार्केट यहां तक आई, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने जो है थर्ड टॉप बनाया, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 सिनेरियो मार्केट में चलते हैं। देखिए आपको जो है एक सिनेरियो के बारे में लोग बताते हैं, दूसरे सिनेरियो के बारे में लोग नहीं बताते हैं, बट मैं यहां पर आपको दोनों सिनेरियो बताने वाला हूं, तो इसलिए जो है वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहां पर देखिए हमने क्या करना है, हमने यहां पर जो है एक इस तरह से ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, मीन्स हमारा यहां पर टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3, हमको यहां पर 3 टॉप यहां पर मिल चुके हैं। और यहां पर देखिए अभी मार्केट नीचे तक नहीं आया, मान लीजिए मार्केट ने जो फर्स्ट जो करेक्शन किया वो 20% का कर दिया और सेकंड करेक्शन जो होगा वो 15% का ही हुआ। तो अभी आप जो है इसको ट्रिपल टॉप पैटर्न किस तरह से कंसीडर करेंगे वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है। ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है हम इसको जो है टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में जब हम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इसको हम नेक लाइन बोलते हैं। तो ये हमारी नेक लाइन होती है, तो ये भी ट्रिपल टॉप पैटर्न होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट ने 20% करेक्शन किया तो सेकंड को भी 20% करेक्शन चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। सेकंड जो है 10% भी कर सकता है और 5% भी कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 20, नॉट मोर देन 20%, 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो करेक्शन हो रही है टॉप के पास आकर, जब प्राइस जो नीचे की तरफ करेक्शन कर रहा है वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन भी नीचे से बन रही है, तो ये भी हम ट्रिपल टॉप पैटर्न कंसेप्ट इसको हम करेंगे, इसको भी हम ट्रिपल टॉप पैटर्न की तरह ही बिहेव करेंगे, इसको
ट्रिपल टॉप पैटर्न की तरह ही हम ट्रेड करेंगे। तो ये हमारी नेक लाइन हो गई, और देखिए अब यहां पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो सेम कंडीशन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करके बताई थी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकली करके। यहां पर देखिए आपके सामने एक यहां पर चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है, ये है अरोबिंदो फार्मा का, ठीक है। ये अरोबिंदो फार्मा का आप यहां पर चार्ट देख रहे हैं, तो मैं यहां पर आपको ये देखिए अभी आप करके बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पर देखिए आप जो देख सकते हैं यहां पर ये फर्स्ट टॉप बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टॉप बनने के बाद ही मार्केट ने 20% से ज्यादा करेक्शन नहीं किया है। उसके बाद फिर यहां पर जो है ये देखिए मार्केट फिर सेम लेवल पर आया। सेम लेवल कहां पर आया, 830 रुपए पर, मीन 830 रुपीज, ठीक है। फिर मार्केट ने जो है जहां से मार्केट ने लास्ट टाइम सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया था, मार्केट फिर वहीं पर उसी लेवल पर आई है और यहां पर फिर इसने सपोर्ट लेकर यहां पर बाउंस बैक किया है। और यहां पर देखिए ये ट्रिपल, ये तीसरी बार जो है ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको यहां पर एक इस तरह से अप ट्रेंड देखना है। मार्केट एक ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आता है, इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो ये अप ट्रेंड हमने देखा, यहां पर हमने फर्स्ट बॉटम देखा, फर्स्ट टॉप देखा, यहां से मार्केट रिवर्स हुई। अभी हमको नहीं पता कि यहां पर सेकेंड टॉप बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। मार्केट ने देखिए सेम लेवल पर आकर एक जो है टॉप बनाया, और यहां पर देखिए आप जो कैंडल देख सकते हैं बीरिश एंगल्फिंग टाइप की एक कैंडल बनी और सेम लेवल पर जाकर जो है सपोर्ट लिया इसने। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट देखिए ऊपर की तरफ गई, बट ये जो है ट्रिपल टॉप यहां पर नहीं बना पाई। फिर जो है मार्केट ने सेम लेवल पर आकर सपोर्ट लेने के बाद फिर जो है यहां ट्रिपल टॉप बनाया। अब देखिए यहां पर हमारी एंट्री स्टॉप लॉस वगैरह किस तरह से होने चाहिए, मैं आपको यहां पर ये चीजें बताने वाला हूं। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। ये जो आप रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, सॉरी पहले मैं इसको, हाँ तो यहां पर आप ये जो रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल है। तो इस कैंडल ने यहां पर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अभी यहां पर हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, देखिए अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं, तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है इसके हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप जो है स्विंग लो देख लीजिए, स्विंग हाई देख लीजिए, वहां पर अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। और यहां पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, यहां पर टारगेट हमारा ये होना चाहिए, देखिए जो हमारा ये ए पॉइंट था ये बी पॉइंट था, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमारा जो है टारगेट होगा। तो ये ए जो है वो 710 है और ये जो बी पॉइंट जो है वो 830 है, तो नियर अबाउट 120 पॉइंट का हमारा जो है टारगेट है यहां पर। तो इस कैंडल ने देखिए ब्रेकआउट दिया, यहां पर हमने कैंडल के हाई पर हमने स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। यहां कैंडल का हमने वेट किया क्लोज होने तक, यहां कैंडल ने क्लोजिंग दी है, इसके नीचे हमने जो है अपनी एंट्री ली, ठीक है। बट यहां पर देखिए मार्केट ने जो है एक यहां पर बाउंस बैक करने की कोशिश की है, रीटेस्ट करने की कोशिश की है, बट हमारा स्टॉप लॉस यहां पर था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है ना। और 120 पॉइंट का हमारा जो है टारगेट था, तो हमारा टारगेट जो है नियर अबाउट 590 के करीब होना चाहिए, और यहां पर देखिए स्टॉक ने जो है 543 के नियर अबाउट यहां पर जो है लो लगाया है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं इतना, ये जो हमने फर्स्ट टारगेट, ये जो हमारा टारगेट है, देखिए इसको अभी तो हम टारगेट कह रहे हैं, बट इसको हम अभी कहने वाले हैं टारगेट वन, टारगेट टू एंड टारगेट थ्री। जितना मान लीजिए हमारा 100 पॉइंट का हमारा जो टारगेट वन है, यहां पर हम 70% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे फॉर ए बिग प्रॉफिट, हम बड़े प्रॉफिट के लिए यहां पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट ने जो है 720 और यहां पर नीचे आप यहां पर देख सकते हैं 300 नियर अबाउट आप देख सकते हैं, स्टॉक जो है मोर देन हाफ, ये हाफ से भी प्राइस जो है इसका नीचे जा चुका है। तो यहां पर बहुत अच्छे से हमारा जो है टारगेट यहां पर अचीव हुआ, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट की, यहां पर मैं आपको एक यहां दिखाऊंगा भेल में, ठीक है। तो यहां पर इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल भी यहां पर है और यहां पर भेल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो चीज मैं आपको बता रहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन के रूप में भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो नेक लाइन है वो ट्रेंड लाइन के रूप में भी हो सकती है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर मार्केट ने यहां पर ये देखिए यहां पर एक सपोर्ट था, सपोर्ट से बाउंस बैक लिया, यहां फर्स्ट टॉप बनाया। फर्स्ट टॉप बनाने के बाद इसने एक जो है नीचे की तरफ जो है करेक्शन दी है। करेक्शन देने के बाद फिर यहां से जो है एक देखिए यहां पर दूसरा टॉप बनाया है। दूसरा टॉप बनाने के बाद देखिए ये करेक्शन 20% की है और ये करेक्शन जो है ये 17% की है। तो आपने यहां पर देखा कि 20% से ज्यादा नहीं है,
ठीक है। और यहां पर मार्केट ने फिर एक बाउंस बैक लिया और थर्ड टॉप बनाया। अभी हमको यहां पर सिनेरियो मिल चुका है कि हमारे पास यहाँ ट्रिपल टॉप पैटर्न बन चुका है, ठीक है। और यहां पर जैसा मैंने आपको अभी दूसरे सिनेरियो में बताया था कि यहां पर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करनी है। कई लोग आपको ये चीज नहीं बताते हैं, बट मार्केट में ये चीजें होती हैं। सो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल होनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप ये चीजें देखिए और यहां पर देखिए मार्केट ने जो है इस ट्रेंड लाइन को हम कहेंगे नेक लाइन। जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है तब हमारी यहां पर एंट्री होती है। तो फाइनली यहां पर देखिए यहां पर नेक लाइन ब्रेक हुई, ठीक है ना। और हमारा जो टारगेट जो था, मैंने जैसा आपको बताया था, हम इसको ए पॉइंट बोलेंगे और इसको बी पॉइंट बोलेंगे। तो ए पॉइंट हमारा जो था वो 120 था और जो बी पॉइंट हमारा था तो वो 190। तो ये हमारा वहां निकल के आ रहा है 70 पॉइंट का टारगेट। 120 एंड 190 तो इक्वल टू 20 हमारा जो है पॉइंट निकल के आ रहा है। तो अभी हमको यहां पर देख लीजिए, हमको यहां पर एंट्री मिलती है 152 पर। 152 पर यहां पर देखिए कैंडल ने क्लोजिंग दी है। इसका हाई जो है, कैंडल का हाई जो है 162 है और जो है मतलब क्लोजिंग यहां पर तो हमारा यहां पर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस देखिए यहां पर बहुत छोटा सा एक था, ठीक है। और यहां पर फाइनली देखिए स्टॉक ने जो है दिखाया 61 रुपीज का। तो यहां पर भी आपने देखा कि प्राइस जो है हाफ हो चुका है। देखिए वैसे तो आपको ट्रिपल टॉप जो पैटर्न है बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर आपको जहां ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिलते हैं और वहां पर कंफर्मेशन है कि वो ट्रिपल टॉप पैटर्न है और आपके सारे क्राइटेरिया वहां पर सही बैठ रहे हैं, मीन्स ये जो हाई लग रहे हैं ये 3% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जो थर्ड जो हाई लगा ये 3% से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, और ये देखिए प्रॉपर एक नेक लाइन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपकी ड्रॉ की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये नेक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी है या फिर इस तरह से कहीं ड्रॉ कर दी, नहीं, आपकी नेक लाइन बहुत अच्छे से ड्रॉ होनी चाहिए। बिकॉज आपने वहां पर एंट्री लेनी है, आपने वो नेक लाइन ब्रेक होने का आप वेट कर रहे हैं। जब नेक लाइन ब्रेक होगी तब आपने एंट्री लेनी है। सो नेक लाइन आपकी बहुत अच्छे से ड्रॉ होनी चाहिए। बिकॉज सारा खेल ही यहां पर नेक लाइन पर है, क्योंकि जब नेक लाइन ब्रेक होगा तब हमारी यहां पर एंट्री होगी, ठीक है। और सेकंड जो है मैं आपको अगला दिखाऊंगा इंडसइंड बैंक में, इसमें तो मैंने ट्रेड भी किया था। सो मैं ये स्टॉक भी आप लोगों के लिए मैं निकाल के मैंने रखा हुआ था। तो यहां पर देखिए यहां पर फर्स्ट टॉप बन रहा है, ठीक है, और यहां पर सेकंड टॉप है और यहां पर थर्ड टॉप है, ठीक है। तो यहां पर तीन टॉप ये बने, ये नेक लाइन हमने ड्रॉ की, नेक लाइन ब्रेक हुआ और देखिए, और यहां पर देखिए कितना टारगेट था हमारा 1200 रुपये और ऊपर का जो था वो 1544 रुपये। तो नियर बस 350 रुपये का हमारा यहाँ टारगेट था। हमारी एंट्री जो हुई वो हुई 1475 रुपये पर और यहां पर लो जो लगा वो तो 200, तो नियर अबाउट आप देख सकते हैं ये मोर देन 7 टाइम्स ये जो है ये तो ऑलरेडी जो है नीचे गिर गया, ठीक है ना। सात, मतलब ये 7 गुना आप कह सकते हैं कि ये ब्रेक हो गया अपने उस लेवल से। अगला मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट बीपीसीएल का, ठीक है ना। तो बीपीसीएल को ये देखिए आप यहां पर, ये देखिए यहां पर फर्स्ट आपको मैं यहां पर एक ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है ना। तो चीजों को आप समझिए प्लीज, ठीक है ना, चीजों को समझिए, ट्रेडिंग करनी बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहां देखिए मार्केट ने एक फर्स्ट टॉप बनाया, आप यहां पर देखिए एक अप ट्रेंड की रैली थी, अप ट्रेंड की रैली हुई, यहां पर प्राइस 400 रुपये से प्राइस कहां पर गया 550 रुपये गया। तो यहां पर 150 रुपये की एक रैली हुई, जो है 150 रुपये आप कह सकते हैं, 400 रुपये के स्टॉक में एक बहुत ज्यादा अच्छी रैली हो गई। उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जो स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, मतलब जो सेकंड टॉप बना है वो भी इसके आसपास ही है। इसका हाई है 546 रुपये और यहां पर जो हाई लगा हुआ है ये 549 रुपये। तो 3 रुपये का यहां पर डिफरेंस है और हम यहां पर जो है 3% तक का हम यहां पर बियर कर सकते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, ये 3% ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिए ये चीज कि ये जो फर्स्ट हाई है सेकंड हाई से 3% ऊपर नीचे हो सकता है, सेकंड जो टॉप है वो फर्स्ट टॉप से 3% ऊपर नीचे हो सकता है, थर्ड टॉप जो है ये फर्स्ट टॉप से जो है 3% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। और यहां पर देखिए फर्स्ट यहां पर, इसके बाद यहां पर इसने सेकंड टॉप बनाया। सेकंड टॉप बनाने के बाद देखिए यहां मार्केट जो यहां पर मार्केट जो करेक्शन हुई है वो मार्केट करेक्शन 15% के नियर अबाउट हुई है और यहां पर नियर अबाउट 19% हुई थी। और यहां से देखिए मार्केट एक बार फिर बाउंस बैक लिया, ठीक है ना। यहां पर जो हमने नेक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, देखिए हमने जो है, मैं आपको दोबारा करके बताऊंगा, यहां पर हमारा थर्ड बॉटम बना। देखिए हमने तो नेक लाइन जो है यहां से हमने पकड़ ली थी, ये देखिए हमने नेक लाइन स्टार्टिंग हमने यहां पर करी, जब जहां से इसका फर्स्ट टॉप बना और फाइनली करेक्ट होके ये नीचे की तरफ आया, तो पीछे भी हमारे पास एक जो है ये देखिए यहां पर एक हायर हाई बन गया। तो हमारे पास पीछे एक लो था, ठीक है ना, यहां हायर हाई बना, तो यहां पर हमको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई। और सेकंड जब देखिए यहां मार्केट ने सेकंड टाइम जाके टेस्ट किया है और सेकंड टॉप बनाया है, उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आया है तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए
बिल्कुल, यहां से हमको ट्रेंड लाइन जो हमने आगे ड्रॉ की, हमको यहां पर सपोर्ट मिला है, ठीक है ना। सपोर्ट मिल गया, मार्केट ने थर्ड टाइम यहां पर देखिए जाकर जो है थर्ड टॉप बनाया और फाइनली यहां पर ब्रेकआउट हुआ। अब यहां पर चीज देखने वाली है, देखिए मेरी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, बट मैं ये चाहता हूं कि जब तक चीज आपको समझ ना आए, वीडियो चाहे आधे घंटे की हो जाए, 1 घंटे की हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो है इस कैंडल ने देखिए ब्रेकआउट दिया है, ये कैंडल देख सकते हैं, कैंडल का साइज भी बहुत अच्छा है, तो ये कैंडल ने ब्रेक दिया है और कैंडल का जो लो है वो 497 है। आप यहां पर एक चीज और फोकस करिएगा, यहां पर एक आपको अगर साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आपको क्लोजिंग मिलती है तो आपके लिए वो जो है एक कंफर्मेशन का काम करेगी। मींस यहां पर देखिए प्राइस जो है 500 रुपीज के नियर अबाउट चल रहा था, बट जो इसकी क्लोजिंग आई है, लो तो इसका 497 का, जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 500 के नीचे आई है, तो यहां पर फाइनली हमने 497 के नीचे हमने 495 पर अपनी यहां पर जो है एंट्री प्राइस रख दी, हमने 495 पर यहां पर एंट्री ली और हमारा देखिए जो ये टारगेट होना चाहिए वो टारगेट आप यहां से देख सकते हैं, तो टारगेट यहां पर बहुत बड़ा था, 400 रुपीज टू 540, तो 140 रुपए का यहां पर टारगेट था और यहां पर आप देख सकते हैं हमारी एंट्री जो हुई है वो 495 पर हुई है। 495 से अभी हमको 140 का हमको यहां पर टारगेट चाहिए, तो नियर अबाउट आप यहां पर देख सकते हैं 350 के नियर अबाउट हमको यहां पर टारगेट मिलना चाहिए और यहां पर 370 के लमसम यहां पर हमको 360 रुपए तक का हमको टारगेट मिला है। तो यहां पर देखिए ये बिल्कुल सिंपल पैटर्न होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। एक मैं आपको और दिखा देता हूं, मैंने आईबुल में ट्रेड किया था, तो आईबुल के बारे में आपको बता देता हूं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर भी एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना था, तो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। या दिस इज हेयर, यहां देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो यहां पर ये भी एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ था, ये फर्स्ट टॉप है, दिस इज सेकंड टॉप एंड दिस इज अ थर्ड टॉप, और इसका ये जो है यहां पर फाइनली यहां पर नेक लाइन ब्रेक हुई थी, यहां देखिए यहां पर नेक लाइन इसकी ब्रेक हुई थी, अभी आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर सबसे पहले तो आप जो आपका जो फर्स्ट रूल होना चाहिए वो फर्स्ट रूल ये होना चाहिए कि आपने पहले चेक करना है ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने के लिए कि वो एक अप ट्रेंड में है कि नहीं है। अगर वो अप ट्रेंड में नहीं है और वैसे ही वो साइडवेज में है, तो उसको जो है आप ट्रिपल टॉप जो है कंसिडर बिल्कुल मत करिएगा, आप ट्रैप हो सकते हैं। यहां पर देखिए बहुत अच्छी अप ट्रेंड की रैली है, ठीक है ना। अब मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, यहां पर फर्स्ट बॉटम बना, फर्स्ट बॉटम बनने के बाद फिर यहां पर सेकंड सॉरी फर्स्ट टॉप बना, सेकंड टॉप बना, थर्ड टॉप बना, ये नेक लाइन थी हमारी। नेक लाइन कितने की थी? ये थी नियर अबाउट 1100 रुपीज की। अब देखिए जो चीज मैंने आपको वहां पर बताई सेम चीज यहां पर है, यहां पर भी 500 के नीचे क्लोजिंग जो वहां पर हुई थी, अब यहां पर 1100 के नीचे क्लोजिंग हो रही है, तो यहां पर ये क्लोजिंग जो आई है 1056 रुपए पर, 1056 पर यहां क्लोजिंग आई है। अब यहां पर हमारी 1055 पर हमारी यहां पर एंट्री है और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल का हाई जो है ये 1190 रुपए है, तो 1190 रुपए हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 1190 कर लीजिए, 1200 कर लीजिए, 10 पॉइंट ऊपर कर लीजिए, तो ये समझ लीजिए 1200 रुपए हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और हमारा जो है देखिए स्टॉप लॉस, आप देखिए स्टॉप लॉस हमारा कितना है, यहां पर 1000 आप मान लीजिए 50 और यहां पर 1000 ये 90, तो नियर अबाउट आप मान के चलिए 50 से 60 रुपए, 50 to 60 रुपीज हमारा स्टॉप लॉस, 50 से 60 रुपए हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और टारगेट हमारा देखिए कहां पर है, हमारा टारगेट जो है वो 1400 रुपये और जो नीचे की जो नेक लाइन है वो है 1100 रुपये। तो देखिए सिर्फ 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर आप यहां पर 300 पॉइंट्स का जो है टारगेट लेने के लिए बैठे हैं, मींस आपके जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है दैट इज 1:6, ठीक है ना। आप 1 रुपये देने के लिए आप 6 रुपये ले रहे हैं, अगर आपकी मार्केट में यहां पर 1 रुपये रिस्क ले रहे हैं तो आप यहां पर 6 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए 1100 रुपये से हमारा जो है टारगेट आना चाहिए 800 रुपये पर, तो यहां पर आप देख सकते हैं 800 रुपये, तो यहीं पर टारगेट अपने को मिल गया है, 800 यही टारगेट मिल गया है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। यहां पर हमने 70% क्वांटिटी बुक की, उसके बाद जो ट्रेल करते हुए अगर आप चलेंगे तो यहां पर देखिए कितना, यहां पर देखिए लो जो लगाया इसने, ये 170 के नियर अबाउट इसने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने लो लगाया। तो देखिए इस तरह से ट्रिपल बॉटम काम करते हैं, ट्रिपल टॉप काम करते हैं, ट्रिपल बॉटम भी मैंने आपको पिछली बार बताया था वो भी सेम जो है इसी तरह से काम करता है, और ट्रिपल जो टॉप है वो भी सेम इसी तरह से काम करते हैं। तो ये चीजें आपको फोकस करनी है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि किस तरह से देखिए मेरे जो मैं चीजें जो मैं करता हूँ वो बहुत सिंपल चीजें फॉलो करता हूँ, मैं अपने चार्ट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ और ना ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं फॉलो करता हूँ। सो मैं आप लोगों को भी सिंपल की सलाह दूंगा, सिंपल चीजें पैसे बना के देंगी आपको यहाँ पर मार्केट में, आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड चीजें बिल्कुल पैसे नहीं बना कर देंगी। सो आप सिंपल फॉलो करिए, और कोई भी मेरा नया दोस्त अगर वीडियो देख रहा हो तो मेरी उसे गुजारिश है कि प्लीज
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज और, अगर आप यहां पर सीखना चाहते हैं, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर मैं इस तरह के चार्ट जो है पोस्ट करता रहता हूं। आप वहां पर चार्ट जाकर देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिए, वीडियो ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करिए। ओके, थैंक यू।